अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 के स्टूडेंट यकीनी तौर पे सेहतमंद और बेहतर होंगे। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री यानी कि चैप्टर नंबर 8 क्लास 10 के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट, इंटर के अंदर भी इसके ऊपर एक पूरा सेक्शन बना हुआ है और यहाँ अच्छा पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम हो जाएगा। इस सिलसिले में आज हम पहली वीडियो बना रहे हैं और पहली वीडियो में याद रखें कि हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करते हैं। तो हर चैप्टर की पहली वीडियो में शुरू में सारे वो पॉइंट्स होंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो काफ़ी डिटेल वाला चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा बातें बतानी है, तो फौरी तौर पे स्टार्ट करते हैं और आज ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 चैप्टर आपकी खिदमत में हाजिर है। और यहाँ पे हमने कुछ वर्किंग करके रखी हुई है क्योंकि इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाई लेकिन बदकिस्मती से वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाई, तो काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये काम इतना आसान नहीं है जितना लोग इसको समझते हैं। अच्छी खासी मेहनत है और सिला जो है फिलहाल तो सिर्फ मेहनत है। और यहाँ पे सबसे पहले ये कि यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री 6 फंक्शन होते हैं और नोट कीजिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। जिन बच्चों ने ये चैप्टर अपने अपने स्कूलों में पढ़े हुए हैं तो यकीनी तौर पे वो इन्हें समझते होंगे, और जिन्हें नहीं पता तो हमारे पास ये फिजिक्स में भी टॉपिक्स आते हैं और इन तमाम डिग्रीज की फंक्शन के साथ वैल्यू हमें जबानी याद करनी पड़ती है। तो जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है वो यूं होता है कि जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया है साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछा कि क्या वैल्यूज होगी। तो हमने जो एक पॉइंट आपको यहाँ पे लिख के दिया या दो पॉइंट से या फिर 3 पॉइंट्स आपको लिख के दिए हैं, लेकिन एग्जाम में कोई भी पॉइंट आ सकता है, किसी फंक्शन के साथ डिग्री आ सकती है। लेकिन मैट्रिक के सिलेबस के अंदर ये होता है कि हमें हर फंक्शन की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। मैं आपको इस सिलसिले में एक ऐसी ट्रिक एक्सप्लेन कर दूंगा शॉर्ट टाइम में कि आप सिर्फ साइन की वैल्यू याद करेंगे तो आप सारी के सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस सिलसिले में मेरी प्लेलिस्ट में मैथ्स कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रिक भी आपको बताई हुई है, चाहे तो इस वीडियो को यहाँ रोक के ये जो आपको लिंक मैं दे रहा हूँ यहाँ जाए और वहां से स्टडी करके दोबारा आ जाए, और वो बच्चे जो ज्यादा वीक है और अगर नहीं है या आइडिया है चैप्टर का तो आपको दोबारा खुशामदी, और वो स्टूडेंट जो यहाँ से जा चुके हैं वो बाद में देख लेंगे। तो हमें करना क्या होगा कि हमें साइन 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 डिग्री की वैल्यूज को जबानी याद करना है। और वो वैल्यूज क्या है कि साइन 0 डिग्री 0 है, 30 डिग्री 1/2 है, साइन 45 डिग्री 1/√2 है और 60√3/2, इसी तरह साइन 90 1 है। अब देखें हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं, वैल्यूज हमारे पास 5 होती हैं, 1 2 3 4 5, और अगर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 30 वैल्यूज को याद करना एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो आप सिर्फ साइन की 5 वैल्यूज याद कर लें, बाकी मैं हूं आपके साथ और मैं आपको ऐसी ट्रिक बता देता हूं कि जो आप लोगों को आसानी दे सकती है। वो ट्रिक ये है कि याद रखें कि जो साइन की अगर आप वैल्यूज याद कर लें तो इसके अलावा आपको कोई और वैल्यूज याद करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आपने साइन और कॉस का एक ऐसा रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है जो कि आपको आसानी दे। होता यह है कि यहाँ जितनी भी डिग्रीज है साइन और कॉस की, इनका सम 90 डिग्री, ठीक है ना, इसे ऐड कर ले, इसे कर ले, इसको इसको इसको, इसका सम 90 डिग्री है। होता ये कि कॉस और साइन में ये रिलेशनशिप होता है कि कॉस अगर 60 डिग्री की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना हो तो वो साइन 30 डिग्री की वैल्यू उसके इक्वल होती है। तो लिहाजा साइन की अगर सारी वैल्यूज याद है तो हमने करना क्या है, अगर कोई कॉस 30 बोलेगा तो हम कहेंगे साइन 60 है, अगर कोई कॉस 45 बोलेगा तो हम कहेंगे साइन 45 है, cos 60 कोई कहेगा तो हम कहेंगे sin 30 है। तो ये तो हमारा मसला ही हल हो गया, जो कि हमने sin की वैल्यू को पक्का याद करना है ताकि हम उल्टे भी खड़े हो जाएं, यानी कि हाथ नीचे टांगे ऊपर,
या फिर हम तकलीफ दे खड़े हो जाए, कोई हमें सजा दे, लेकिन इतनी पक्की वैल्यू याद होंगे कभी भी ये ना भूलें। तो साइन और कॉस की वैल्यू का रिलेशनशिप आपके सामने आ चुका है। अब सारी बात यह है कि अगर आपको साइन और कॉस के बाद वास्ता पड़ेगा सेक और कॉसेक से, तो एक्चुअली ये है कि कॉसेक जो होता है वो उलट होता है, आपका कॉसेक जो है वो साइन का उलट होता है। कॉसेक जो है कॉसेक थीटा साइन थीटा का उलट होता है और सेक थीटा कॉस थीटा का उलट होता है। तो पहले हम क्यों ना ऐसा करें कि साइन 30 डिग्री जो कि वेट कर रही है, इसकी वैल्यूज क्या है वो लिख लें। अब अगर आपको याद होगी कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो जहन से होते हुए हाथ के जरिए हाथ से बाहर निकलेगी और आप क्या लिखेंगे 1/2। और अगर जहन में याद ही नहीं होगी तो फिर तो आंखें इधर उधर देखेंगी और देख के जो आंसर उसे सही लगेगा वो आंखों के जरिए जहन से होता हुआ तो नहीं, बल्कि आंखों से ही हाथ के जरिए निकल के आप यहाँ पे लिख देंगे, जो कि गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। इसलिए आप आंखों पे ना चलें, आंखों से पहले जहन पे लेके जाएं, जहन से फिर आप हाथों के जरिए लेके आए, यही ईमानदारी है और इसी में आपके नंबर पूरे आएंगे। अच्छा, अब बात हो रही थी कि 30.5 की जगह आपका कोई भी हो सकता है, कॉस हो सकता है, सेक हो सकता है, कॉसेक होता है। तो आप देखें, हम चाहते तो आसानी के लिए यहाँ कॉसेक लिख लेते हैं, हमने अपने आप को यानी मैंने अपने आप को मुश्किल में डालने के लिए कोई आसान सौदा नहीं किया, कॉसेक मुझे समझाना आसान था, क्योंकि कॉसेक जो है वो साइन का उलट होता है। तो मैं यहां से ही बात कर देता भाई 30 है तो ये इसका उलट हो गया, लेकिन मैंने जानबूझ के सेक लिया। ठीक है, अब सबसे पहले ये बात है कि यहाँ साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, कॉस 30 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ बातें भी यहाँ पे नोट की हैं, तो थोड़ा सा इस चीज को समझाने के लिए हमें भी थोड़ा सा दिक्कत का सामना होता है, जरा हमें प्लान करना होता है किस तरह आपके जहन के अंदर ये बात शिफ्ट की जाए। तो भाई साइन कॉस का तो रिलेशनशिप पता लग गया और सेक और कॉसेक का भी हमने आपसे जिक्र कर दिया था। अब sec 30 जो है ना उलट होता है cos थीटा का, यानी sec थीटा उलट होता है cos थीटा का। आप ये देख सकते हैं sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। 10 बार याद कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। अब करना ये है कि sec 30 डिग्री जो है वो तो हमें पता होनी चाहिए कि वो cos 30 के उलट है, और cos 30 भी हमने याद नहीं किया होगा, लेकिन हमें ये पता होगा कि cos 30 जो है वो sin 60 के इक्वल होता है। वो हमें याद होगा कि sin 60 क्या होता है, √3/2। तो वहां से आते हुए cos 30 भी √3/2 होगा, और फिर sec 30 में तो उसको उल्टा कर देना कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो क्या आंसर हो जाएगा, 2/√3। तो ये इसका आंसर हो गया। और नंबर 3 के अंदर ये ऐसा किया गया है कि भाई यहाँ पे एक एक वैल्यूज दी गई थी, यहाँ पे दो दो वैल्यूज दी गई हैं, बीच में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, चेंजिंग भी हो सकती है। तो साइन 90 डिग्री जो है एक्चुअली ये किसके बराबर होती है, अब नंबर 3 के ऊपर हम बात करते हैं। तो साइन 90 डिग्री जो है यहां से अगर आप देखें, जो अगर अभी याद नहीं है तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे 1 आ गया और इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, आगे वाले में होगी, और उसके बाद यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का लगा देंगे। कॉस 60 डिग्री है तो यहाँ से देख लें कि कॉस 60 डिग्री 1/2 है, लेकिन तमाम बच्चे ये बात जहन में अच्छी तरह से बिठा लें कि ये वैल्यूज आपको जहन के अंदर याद करके जानी है, वहां पे आपको कोई भी एग्जाम के दौरान नहीं बताएगा। तो यहाँ पे फिर हमने इसका एलसीएम लेना, तो जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 2 आएगा, और हमने 5-6 में बहुत ज्यादा एलसीएम पढ़ा है, या 1 आ जाएगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमारी प्लेलिस्ट में 4 टाइप का एलसीएम का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसको जाके देखें, और उसका लिंक भी हम वीडियोस के एंड में सारे लिंक लगा देंगे, अल्लाह करे याद रहे हम लिंक लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं तो 2 1 2 तो 1 1 1 है, तो 1 2 2 2 1 2, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3/2। तो बड़ा बढ़िया करके आंसर आ गया इसका, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3/2, तो जबरदस्त हो गया ये काम, अच्छा हो गया। अब इसके बाद नंबर 4 पे, तो यहां तक हमने वीडियो पहले भी बनाई थी यहाँ आके,
थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम हो गया, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, इसी वजह से थोड़ा तेज बोल रहा हूँ कि भाई बहुत ज्यादा टाइम यूज हो जाता है इस काम में और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब नंबर फोर के ऊपर आ जाते हैं। तो नंबर फोर के ऊपर एक्चुअली ये पॉइंट मैंने आपको सारे बताए हैं जो कई पॉइंट्स इसके अलावा चेंज करके दे सकते हैं, लेकिन मकसद ये है कि उनका लब्बे लबाव यानी कि उनका मकसद इन्हीं से ही कवर हो जाएगा। अब ये दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ एक फर्क है कि यहाँ पे स्क्वायर करके दिया हुआ, ठीक है। तो इस तरह का पॉइंट फर्स्ट ईयर के अंदर भी आता है, आपका भी आ सकता है, लेकिन याद रखें जब ये स्क्वायर दिया जाता है ना तो स्क्वायर को हम ब्रैकेट के ऊपर ले जाएंगे और साइन 45 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे प्लस लिखने के बाद 10 स्क्वायर 30 डिग्री है तो इसका भी स्क्वायर हम ऊपर ले जाएंगे और 10 30 डिग्री हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हमें साइन 45 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए, 1/√2 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे और 10 30 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा कि 10 30 डिग्री जो बराबर है या 10 थीटा जो इक्वल है वो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसके बदौलत हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज इसकी फाइंड आउट कर लें कि 10 30 डिग्री है तो ये इस फॉर्मूले से चेंज होते हुए ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री है। तो तमाम वो बच्चे जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं उन्हें मालूम है कि हमने कॉस और साइन की वैल्यू को याद करना भी सिखा दिया है। और 10 30 डिग्री है, साइन याद देखे यहाँ पर थीटा है तो थीटा थीटा, तो अगर 10 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री 1/√2 है, 1/√2 आ गया। कॉस 30 डिग्री जो है वो √3/2 है। तो अब देखें कि नीचे वाले से कैंसिल होगा तो 1/√3 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ऊपर दिया तो यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा। और आगे लेके चलेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, √2 जो है आपके पास स्क्वायर हट जाएगा। इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 है, इसका रूट हट गया और 3 हो गया। और फर्दर इसका ये कि 6 एलसीएम आ जाएगा तो 3 2 6 होता है तो 2 1 2 हो जाएगा। इसी तरह 2 3 6 होता है तो 3 1 3। तो आंसर हमारे पास क्या आया, 5/6, ये भी काफी अच्छा आंसर आ गया। तो 5/6 आंसर आ गया और ये एक सीक्वेंस था जो कि 1 to 4 तक का एक जैसा था। 5 से हमारा थोड़ा सा ट्रैक चेंज हो जाता है, उसमें एक नई बात सीखनी पड़ेगी, इसलिए हमें इस सब को रिमूव करना पड़ेगा। फिर आपके सामने आते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आगे हमें क्या। एमसीक्यूज नंबर 5, 6, 7, इसके अंदर आपको तीनों के अंदर एक नई बात सीखनी पड़ेगी। और याद रखें कि इन तमाम के अंदर यानी कि या 40 डिग्री है या 50 डिग्री है, तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या है कि अगर साइन 30, 45, 60, 90, 0 डिग्री है तो आपको वैल्यूज लिखनी है। लेकिन अगर आपको इससे हट के कोई डिग्री दी गई है तो कोई भी वैल्यू इसकी याद नहीं रख सकता, हत्ता के टीचर लोगों को भी इसकी वैल्यू को बिल्कुल याद नहीं होता। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि सबसे पहले यह है कि अगर आपके पास कॉस 40 डिग्री दी होगी, जैसे कि नंबर 5 पे बात कर रहे हैं, तो आगे आपके और पे आगे आपको साइन दिया जाएगा और डिग्री आपसे पूछी जाएगी, यानी कि कॉस 40 डिग्री इक्वल टू साइन किस डिग्री के बराबर है। तो अभी तो हमने यहाँ पे एक रिलेशन भी पढ़ा था कि साइन और कॉस की वैल्यू जो है वो वहां इक्वल होती है जहां उसके एंगल का सम 90 होता है। यही वजह कि हमने यहाँ लिखा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 90 है और साइन अल्फा कॉस बीटा के बराबर है। यानी एक तरह से हम यूं कहेंगे बात कि यहाँ पे अगर कॉस 40 डिग्री लिखा है तो साइन का जो एंगल है वो 50 डिग्री होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 90 है तो अल्फा की जगह अगर हम 40 डिग्री रखेंगे तो हमारे पास बीटा कितना आएगा, 90, क्योंकि 40 और 50 को ऐड करके कितना बनता है, 90। तो लिहाजा इसके अंदर आपको दो बातें याद होनी चाहिए, एक ये बात याद होनी चाहिए कि साइन और कॉस की डिग्री, साइन और कॉस की वैल्यू सेम आ सकती है लेकिन उसकी डिग्री का सम जो है वो 90 होगा। तो अगर यहाँ 40 डिग्री होगा तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 50 डिग्री। लेकिन इन केस अगर यहाँ पे आपको 20 डिग्री देते हैं तो साइन 70 डिग्री हो जाएगा
और इसका ही एक सेकंड प्रोसेस है। और यहाँ पे हमने ये याद करवाना है आपको कि साइन और कॉस की वैल्यू सेम आ सकती है, सेक और कोसेक की सेम आ सकती है, टेन और कॉट की वैल्यू भी सेम आ सकती है। ये बात भी आपको जहन में अच्छी तरह बिठानी होगी। और इसी तरह से कॉस 40 से 40 डिग्री दिया एक नया अंदाज है। अगर यहाँ 10 डिग्री देते हैं या फिर इस चीज को 10 90 माइनस 80 डिग्री देते हैं तो दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि 10 डिग्री और यहाँ 10 90 में से 90 डिग्री में से 80 को लेस करें तो वो भी 10 डिग्री आता है। तो आपको 10 डिग्री कॉट डैश देंगे या फिर इस प्रोसेस से देंगे, लेकिन ये याद रखें कि यहाँ पे भी 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ कॉट है। तो अगर यहाँ 10 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे भी 10 डिग्री बन रहा है तो 90 डिग्री में से 10 डिग्री लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री। तो आप यकीनी तौर पे इस बात को समझ रहे होंगे। यूट्यूब में ये फायदा है, अगर बात समझ में ना आई दोबारा पीछे जाएं फिर से आप समझें, और फिर भी कोई इशू हो तो हमें कमेंट करें, अगर हम आपको समझा सके तो समझा देंगे। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है इधर, और इधर लिखा हुआ है, अच्छा बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि भाई कॉस के साथ साइन तो दिया ही होगा, टेन के साथ कॉट भी दिया होगा, तो इसी बात पे अगर इस तरह का पॉइंट आ जाए तो वो अच्छे खासे बच्चे एमसीक्यूज गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या शरारत की या हमने आपको क्या उनकी शरारत बताई कि यहाँ पे 50 डिग्री या 40 डिग्री है, तो डिग्री का तो कोई इशू नहीं है, ऑलरेडी वो 90 सम बन रहा है, लेकिन इस सूरत में कॉसेक के बाद अब आप यहाँ पे तुक्के नहीं लगाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक और किस डिग्री की वैल्यू बराबर होती है सेक की। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सेक। तो सेक आने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। और इसी तरह ये पॉइंट जो है आपका इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, और इसी तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे, और यही हमारे पास इसका तरीकाकार होगा। और मजीद इससे आगे जो पॉइंट्स हैं हम अपने सेकंड पार्ट के अंदर आपको कवर करेंगे, क्योंकि बात तफसील से हो तो वीडियो तो बड़ी हो जाती है, और बड़ी वीडियो में यकीनी तौर पे मेहनत भी ज्यादा होती है, बोला भी ज्यादा जाता है, तो बहुत से लोग समझते हैं शॉर्ट वीडियो अच्छी होती है। शॉर्ट वीडियो अच्छी सिर्फ उन बच्चों के लिए होती है जिन्हें ऑलरेडी वो चीजें आती हों और वो दोबारा उसको सीख रहे हों, लेकिन जिन बच्चों को ये बातें समझ में नहीं आती तो वीडियो डिटेल में ही हो तो समझ में आता है। तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।